हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ग्लैमरस लुक ले करके आप लोगों के लिए। अगर आपको भी जाना है किसी शादी पार्टी में और बिजलियाँ गिरानी है तो ये मेकअप आपके लिए है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है मैक का मेकअप फिक्सर, ये प्राइमर का भी काम करेगा। उसके बाद लिया है मैंने हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन। हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन थोड़ा थिक होता है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है, तो अगर आपके फेस पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो ये उसको हाइड कर देता है। अब मैंने लिया है कंटूर के लिए डर्मा पैक। आपके पास कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर हो जो कि दो शेड डार्कर हो, आप ले सकते हैं अपने फेस पर कंटूर करने के लिए। अब इसको हम अच्छे से अपने चेक पे, अपने नोज़ एरिया पे, अपने फोरहेड पे, जहाँ पे भी आपको अपने फेस की कटिंग करनी है, उसको स्लिम दिखाना है, आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपके भी डबल चिन की प्रॉब्लम है तो अपने जॉ लाइन को कवर करना ना भूलें। अच्छे से हम अपने नेक एरिया पे भी लगा लेंगे ताकि हमारा जो डबल चिन है वो छिप जाए। हाईलाइटिंग के लिए लिया है मैंने मेकअप फॉरएवर का HD कंसीलर। आपके पास जो भी कंसीलर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आपको सेम वही फॉलो करना है। इससे आपके जो फीचर्स हैं वो बहुत शार्प निखर के आएंगे। जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ आप ध्यान दीजिए और ठीक वैसे ही आपको इसको यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हमारे फीचर्स को इन्हेंस करता है, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका भी फेस बहुत ही स्लिम लगेगा, प्लस हमारा जो फीचर्स है वो और इन्हेंस हो जाता है। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपके भी फीचर्स और अच्छे दिखेंगे। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। ब्लेंडर को मैंने एक बार पानी में डिप करके उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है टॉवल से। उसके बाद मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। पहले हम लाइटर एरिया को अच्छे से मर्ज करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैंने कंटूरिंग के लिए दूसरा स्पॉन्ज लिया है, दूसरे ब्यूटी ब्लेंडर से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर सेम ब्यूटी ब्लेंडर आप लोग यूज़ करेंगे तो फिर क्या होता है, कलर्स जो हैं दोनों वो मिक्स हो जाएंगे, और जो हमारा मकसद है कट करने का अपने प्रॉब्लम एरिया को, वो होगा नहीं। वो आपका फाउंडेशन और कंसीलर और कंटूर सब मिक्स हो जाएगा आपका, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए दो स्पॉन्ज का मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने ले लिया है PSC का पाउडर कंटूर। उसको मैं अपने जितने भी कंटूरिंग एरिया है उस पर लगा रही हूँ। सेम जहाँ पर हमने क्रीम कंटूर किया था वहीं पे हम पाउडर कंटूरिंग कर रहे हैं, ताकि हमारा जो क्रीम कंटूर है वो फिक्स हो जाए। और पाउडर कंटूरिंग करने से क्या होगा कि वो और ज़्यादा इन्हेंस होके आएगा। अगर आपने लाइटर शेड लिया है तो आप फिर पाउडर कंटूर अगर करते हैं तो फिर वो और अच्छे से दिखने लग जाता है, आपके फीचर्स और अच्छी कटिंग दिखती है आपके फेस की। अब मैंने लिया है सेम PSC का ब्लशर पैलेट। मैं अच्छे से ब्लश कर रही हूँ। दोनों चेक बोन पे अपने थोड़ा पीछे पीछे ही रखेंगे क्योंकि मेरा फेस चबी है। अगर आपका फेस चबी नहीं है तो आप थोड़ा अपने एप्पल एरिया से ले सकते हैं। मैंने सेम पैलेट से ही मैंने हाइलाइटर लिया है, उससे मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। जो भी हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स होंगे हम उस पर हाइलाइटर अच्छे से लगा लेंगे, नोज़ पे, चीक्स पे, लिप्स के ऊपर, चिन पे, फोरहेड पे, आईब्रोज के बोन पे। अच्छे से हम लोग हाईलाइटिंग कर लेंगे ताकि जब आप पार्टी में जाएं तो आप ही आप चमकें। तो अगर आपको पार्टी में जलवे बिखेरने हैं, बिल्कुल आप पे ही नज़रें टिकी रहें लोगों की, तो थोड़ा तो चमक के जाना ही पड़ेगा। मैंने लिया है पैक का फिक्सिंग स्प्रे वापस से अपने स्पॉन्ज पे, और उसको अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर रही हूँ। इससे हमारा मेकअप वाटरप्रूफ भी हो जाएगा, मेकअप सेट हो जाएगा, और हमारे चेहरे पे एक एक्स्ट्रा ग्लो भी देता है। आप देख सकते हैं फेस कितना ग्लोई लग रहा है और मेकअप हमारा बहुत सटल लग रहा है। अब शुरू करते हैं आँखों का मेकअप। मैंने ले लिया है LA Girl का वाइट कंसीलर। आपके पास जो भी कंसीलर हो आप यूज़ कर सकते हैं।
उसको अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का पैलेट, आपके पास जो पैलेट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया है एक लाइटर पिंक शेड और उसको अपने आँखों पर अच्छे से लगा रही हूँ, ये ट्रांजिशन कलर है। आप अच्छे से अपने आईलिड पे ये हम लगाएंगे, उसके बाद हम लाइटर से डार्क शेड पे जाएंगे। मेरा आज का जो आउटफिट है वो आपने देखा ब्लू शेड है, तो हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही कलर्स पिक करेंगे। अपने नीचे के लैश लाइन को नहीं भूलिएगा, लोअर लिड पे ज़रूर कलर साथ के साथ लगा लीजिएगा, इससे मेरा आई मेकअप कंप्लीट लगता है थोड़ा। तो मैंने साथ के साथ लाइट शेड भी नीचे कर लिया है, आप ये प्रोसेस बाद में भी कर सकते हैं, नीचे लगाने वाला मैं साथ के साथ कर रही हूँ। अब मैंने लिया है कार्निवल पैलेट और उससे मैंने पिक किया है एक पर्पल शेड, आप देख सकते हैं ये थोड़ा लाइट पर्पल शेड है, और उसको अच्छे से मैं अपने क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ और अपने कॉर्नर को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको सेम वैसे ही करना है, जो आपका क्रीज एरिया होता है उस क्रीज एरिया पे अच्छे से हमने मर्ज करना है और अपने साइड्स पे अच्छे से मर्ज करना है, इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर दोनों पे हमको साथ के साथ वर्क करना है। बेसिकली एक उल्टा सी जैसे होता है ना, हमको वैसा ही एक इल्यूजन बनाना है, आप देखिए। और अब मैंने लिया है थोड़ा सा डार्क पर्पल शेड और उसको मैं अपने इनर और आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, और जो हमारे ब्रश में थोड़ा बहुत बचेगा उसको हम सिर्फ ब्लेंड करेंगे अपने क्रीज एरिया पे। ऊपर ब्लेंड करने के लिए मैं अलग से कलर नहीं ले रही हूँ, जो ब्रश में मेरे है उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने लिया है एक ब्लू शेड, ये पैलेट जो है ये है यूरोप गर्ल का। बेसिकली आपके पास जो भी पैलेट हो, मैं पैलेट पे ज़्यादा जोर नहीं देती हूँ क्योंकि जो पैलेट मेरे पास वो ज़रूरी नहीं है वो आपके पास भी हो। तो जो भी आपको अपने आउटफिट में जो कलर चाहिए सेम प्रोसेस सेम रखना है आपको, और कलर आप इसकी जगह पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपकी ड्रेस पे आप देना चाहो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास कलर अवेलेबल हो जो आपको कंट्रास्ट करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइटर शेड भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डार्क नहीं है तो आप टेंशन में आए। आगे बढ़ते हैं, मैंने ब्लू शेड लिया है इनर आउटर कॉर्नर पे और जो ब्रश में थोड़ा बचता है उसको मैं अपनी क्रीज लाइन पे मर्ज करती हूँ। तो बेसिकली आपको जब भी कोई कलर आप पिक करते हो आपने उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, सिर्फ कलर को रखना नहीं है एक जगह पे, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। मैंने दोनों आंखों पे कर लिया है ब्लू। अब मैंने लिया है एक ब्लैक शेड, ब्लैक शेड को मैं थोड़ा पीछे पीछे ही रखूँगी, आप देख रहे हैं मैंने जो उसको जस्ट पीछे पीछे रखा है, ब्लू के ऊपर उसको हम पूरा मर्ज नहीं करेंगे, ब्लू हमारा दिखते रहना चाहिए, सिर्फ कॉर्नर्स पे मैं उसको मर्ज कर रही हूँ और जो ब्रश में बच रहा है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, उसको क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देख रहे हो आप, ब्रश में मैं अलग से कलर नहीं ले रही हूँ, इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्लैक लिया और जो ब्रश में बचा उसको मैंने अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड किया है। अब मैं ले रही हूँ एक शिमरी शेड, ये सिल्वर सा शेड है, ये प्रेस ग्लिटर नहीं है, ये थोड़ा शिमरी शेड है। आप इसकी जगह पे अगर आप ग्लिटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक शिमरी शेड लिया है, ये भी ग्लिटर का ही इल्यूज़न देता है, ग्लिटर का ही इफ़ेक्ट देता है, तो आपको अलग से ग्लिटर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छे से जो जगह हमने खाली छोड़ रखी थी हमने जस्ट वहाँ पे उसको प्लेस कर देना है। अब ले रही हूँ मैं जेल लाइनर, ये क्रायलॉन का जेल लाइनर है, बहुत अच्छा जेल लाइनर है। अगर आप लोग अच्छे जेल लाइनर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये लाइनर बेस्ट है, मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी आपको। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के जेल लाइनर यूज़ किए हैं पर मेरे को क्रायलॉन का जैसे जेल लाइनर नहीं मिला, तो मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। ये वाटरप्रूफ है और ये फैलता भी नहीं है आपकी आँखों से,
जैसे और जेल लाइनर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो ऑयल छोड़ देते हैं और वो फैल जाते हैं, पर ये जेल लाइनर बहुत अच्छा है, ये बहुत स्टे करता है। अब इसको अच्छे से हम लोग अपने ऊपर के लैश लाइन पे लगा लेंगे, और नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे लगाया है, सेंटर में मैंने छोड़ रखी है जगह। उस सेंटर पॉइंट पे मैं लगा रही हूँ PAC का ये न्यूड जेल पेंसिल है, ये शेड थोड़ा न्यूड शेड है, तो मैंने वो यूज़ किया है। ये हम थोड़ा सा हेलो आई क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये टेक्निक यूज़ किया है। आप इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरा काजल भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे, अगर आपके पास ऐसा न्यू काजल नहीं है तो आप टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, आप गोल्डन सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप पूरा काजल भर सकते हैं उसमें। अब मैंने लिया है आँखों के कॉर्नर पर गोल्डन शेड हाईलाइट कर रही हूँ मैं। लिपस्टिक का जो शेड था मेरा वो है लैक्मे का 925, उसमें बहुत सारे न्यूड शेड्स आते हैं, थोड़े तो लाइट शेड आते हैं, आपको जो कलर पसंद हो आप वो पिक कर सकते हैं। अब मैंने ये लोटस का ग्लॉस लिया है, उसको मैंने लगाया है, और यहाँ हमारा लुक होता है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कितना ग्लैमरस लग रहा है ये मेकअप। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज मेरा मेकअप वीडियो वॉच करने के लिए। लव यू ऑल।